हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। दोस्तों आज मुझे 2 महीने बाद एक एसी में रिकम्प्लेन आई है गाइस। 2 महीने पहले मैंने उस एसी में गैस डाला था दोस्तों, आज मुझे उस एसी से रिकम्प्लेन आ गई गाइस। कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया है दोस्तों, और कस्टमर का कहना है जो आप जिस एसी में गैस डाले थे उस एसी में कूलिंग नहीं आ रहा दोस्तों। तो अब मैं जा रहा हूँ बवाना दोस्तों, बवाना की मेरी कंप्लेन है दोस्तों, बवाना सेक्टर 3 उस जगह पे मैं जा रहा हूँ गाइस, और वहाँ जाके मैं चेक करूँगा दोस्तों उस एसी में क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी गाइज मैं इसी गाड़ी से दोस्तों हमेशा सफ़र करता हूँ। तो ये मेरा टूल बैग से गाइज, और मैं निकल रहा हूँ दोस्तों बवाना, वहाँ कस्टमर के पास जाके देखता हूँ एसी में क्या प्रॉब्लम है गाइज। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने बवाना में दोस्तों, जहाँ मुझे कस्टमर के पास आना था गाइज। तो कस्टमर के पास आने के बाद दोस्तों कस्टमर ने मुझे कहा ये कूलिंग तो करता है लेकिन बीच बीच में कूलिंग करना बंद कर देता है। जब ये कूलिंग करना बंद करता है दोस्तों, तो उस टाइम में पूरे कूलिंग कॉइल में बर्फ़ बर्फ़ ही जम जाती है गाइज। कस्टमर का ये कहना है जैसे मैं फिर एसी बंद करता हूँ दोस्तों, तो इसमें से बर्फ़ के टुकड़े मतलब बाहर नीचे गिरते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो इससे एक बात तो दोस्तों कन्फर्म हो गई है कि इसके कूलिंग कॉइल में दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है। तो इसके लिए हम दोस्तों इस एसी का दोस्तों गैस चेक करेंगे। तो मैंने इधर एसी चालू कर दिया गाइज, और एसी चालू करने के बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ इसके आउटडोर पर। आप देख सकते हैं हमारा आउटडोर है गाइज, अभी हमारा एसी चालू है दोस्तों, ये हवा चल रही है गाइज, बहुत गर्म हवा फेंक रहा है गाइज। फिर भी मैं इसकी एक बारी दोस्तों गैस चेक करूँगा, किसके गैस का प्रेशर क्या है दोस्तों। सो गाइज इसके अंदर आप देख सकते हो गैस है हमारा 100 प्रेशर दोस्तों, और हमें चाहिए होती है दोस्तों इसके अंदर 120-130 प्रेशर गैस दोस्तों, और 150 तक आप डाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 100 प्रेशर गैस है गाइज। और मुझे याद है मैंने इसके अंदर दोस्तों 100 से ऊपर गैस डाला था दोस्तों, 110-120। तो ऐसा होता है गाइज कि जिस टाइम मैंने इसमें गैस डाला था दोस्तों, मैं जल्दबाजी में था, कूलिंग अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है गाइज कि यहाँ पे वही सिचुएशन है कि गैस इसके अंदर कम डाली गई है, इसीलिए इसमें यह सिचुएशन है। मुझे लीकेज की समस्या नहीं लग रही, क्योंकि लीकेज की समस्या होती तो दोस्तों इसके अंदर प्रेशर अभी होता 50, क्योंकि 200 क्योंकि 260 2 महीने हो चुके दोस्तों, 60 दिन में हमारा प्रेशर दोस्तों कम हो जाता बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं इसके अंदर दोस्तों अभी फ़िलहाल तो टॉपअप ही करने वाला हूँ गाइज, क्योंकि मुझे याद है मैंने इसके अंदर 100 से थोड़ा सा ऊपर प्रेशर डाला था। और इन्वर्टर एसी में ऐसा कई बार देखने को मिलता है दोस्तों, आप गैस कम डालोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक 150 प्रेशर हो जाता, और 150 प्रेशर पहले ही डाल दोगे दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा गैस ज़्यादा हो गया और हमें गैस निकालनी पड़ जाती है। क्योंकि इन्वर्टर एसी दोस्तों इसके अंदर कंप्रेसर के 2 पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, एक तो हमारा स्लो कंप्रेसर चलता है और एक फास्ट कंप्रेसर चलता है, उसके वास्ते उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। तो उसका एक ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों कि आप जब गैस डालें तो आप गैस डालने में दोस्तों आराम आराम से गैस डालें, आपको गैस डालने में थोड़ा टाइम लगाना है दोस्तों, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ मैंने दिन में ज़्यादा जल्दी में था, गैस डालने में टाइम नहीं लगा पाया, मैंने प्रेशर 120 करके ही छोड़ दिया था दोस्तों। तो अब मैं इसके अंदर गैस टॉपअप करने वाला हूँ, और हमारा 410 का गैस है दोस्तों। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत अगर आपकी गैस कम पड़ती है तो दोस्तों आप बिल्कुल टॉपअप कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने सिलेंडर लगा लिया गाइज, सिलेंडर को ऑन कर लिया दोस्तों, मैं सिलेंडर को हटा देता हूँ गाइज, और ये मैं यहाँ से थोड़ा एयर निकालता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो पाइप है हमारे सिलेंडर वाली पाइप दोस्तों, इस पाइप में हल्का सा एयर रहता है दोस्तों, जिसे हम यहाँ से निकालेंगे। तो गैस मैंने इसका एयर निकाल दिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगा दोस्तों गैस। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने इसके अंदर 100 से थोड़ा सा ऊपर प्रेशर डाला था दोस्तों, और अभी भी इसके अंदर नहीं प्रेशर है गैस जितना मैंने आज से 2 महीने पहले डाला था दोस्तों। कस्टमर का कहना है मैंने काफ़ी समय से एसी चलाया ही नहीं है, अभी हफ्ते भर से चला रहा हूं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अगर ये पहले ही एसी चला चुके होते तो ये प्रॉब्लम उनको पहले फेस हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हमारी कंप्लीट गारंटी होती है दोस्तों, हम 100 डेज गारंटी देते हैं कस्टमर को जो भी हमसे गैस डलवाता है। तो ये अभी फ़िलहाल गारंटी में है दोस्तों, अगर इसके अंदर लीक भी होता है तो दोस्तों मुझे फिर नहीं करके देना था। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर दोस्तों गैस टॉपअप कर दिया अपना, 125 प्रेशर दोस्तों, 125-130 प्रेशर गैस है इसके अंदर गाइज हमारा 410 का दोस्तों।
और 410 दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, आप अगर टॉप अप ना करें तो ही बेहतरीन रहेगा दोस्तों, 400 गैस का टॉप अप नहीं करें तो ही बेहतर है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी दोस्तों, जैसे कि हमारा थोड़ा बहुत गैस कम है, जैसा कि आपने देखा इसके अंदर 10 प्रेशर ही गैस कम था हमारा, तो मैंने इस सिचुएशन में ही गैस अपना टॉप अप किया है। लेकिन आप गैस टॉप अप करने से बचे, छोटी मोटी है दोस्तों तो उसमें कोई चल जाता है, लेकिन बड़ा अगर आप समझे कि अगर इसके अंदर 50 प्रेशर गैस है दोस्तों, मैं इसके अंदर 70-80 प्रेशर टॉप अप कर दूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैस दोस्तों कम थी, जो कि मैंने पिछली बार कम डाल पाया था दोस्तों, उसी को बस मैंने टॉप अप किया है गैस। तो आपको हमारी ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों।